जगह नहीं थी जहां चाहे वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। लेकिन जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो इस इस्लाम के सूरज ने कुफर के घटाटोप अंधेरों को करवट बदलने पर मजबूर कर दिया। फिर इस्लाम ने औरतों के दामन में वफा की मोती परोकर उसे बेहतरीन शरीके हयात की शक्ल में देकर मर्दों को एक बेशबहा और एक हसीन तोहफा पेश किया। और जब उन औरतों को हया की वफा की इज्जत और इफ्फत की चादर अता करके उसे बेहतरीन शरीके हयात की शक्ल में देकर उसे बुलंद मकाम पर आता खड़ा किया, तो आगे चलकर मजहबे इस्लाम सर बुलंदी के लिए अपने जिन जज्बात का इजहार किया और अपने जिस कदर कुर्बानियां पेश की जिसकी तारीख भी उन औरतों ने ना सिर्फ ये कि इस्लाम की सर बुलंदी के लिए इशात और तबलीग में नुमाया किरदार अदा किया, बल्कि मैदान जंग में भी ऐसे ऐसे मुख्तलिफ तरीकों से दुश्मनान इस्लाम के दांत खट्टे किए और ऐसे ऐसे मुख्तलिफ तरीकों से उनको नाको चना चपाने पर मजबूर कर दिया कि कुफारे मक्का को ये कहना पड़ा, जज्ब कर सके इनको ये सूरज में दम नहीं, ये वो कतरे हैं जो सूरज को भी निगल जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज जब के शरीयत, आज जब के दुश्मनान इस्लाम मुख्तलिफ तरीकों से दुश्मन और दुश्मन और इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए कमर बस्ता नजर आ रहे हैं, ए वक्त के जालिमों, ए अल्लाह के दुश्मनों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस्लाम की तरफ अपने नापाक हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो खुदा की कसम तुम्हारी हाथों को पंजों से नहीं बल्कि कंधों समेत काट दिया जाएगा। हम इस्लाम वाले हैं, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ने वाले हैं, हम गैरतमंद नबी की उम्मती है, हम गैरतमंद सहाबा के मानने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।